यशोमती मैया के नंदलाला। गोकुल के आसपास के स्थानों में गांव में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगो। वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है, अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध है। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी ताऊ जी, और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। काना ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था। हम चलते हैं जशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी जी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियाँ तो ले लो। नाना जी जी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो, समझ लेना श्री नारायण का प्रसाद है, और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज। जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। दिखा लन्ना, दिखा कहाँ पीड़ा हो रही, यहाँ लगी तो, यहाँ तो, यहाँ लगी है, इधर आ। अच्छा काना ठीक है जीजी, बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है। मैया कहीं पीड़ा ना हो रही है, यही बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी, एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें, बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जी जी, का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओगे, मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, मेरे निर्दोष काना पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जी जी। नारायण नारायण। शांति क्या हो गो? आज दो मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल, यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु क्या देख रहे हैं? मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है, पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा, कैसी मैया है, पहले दंड देती है फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलता है उतना अधिक ही प्रेम मिलता है। कड़ा दंड तो मिलेगा पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला मुरली। मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करो, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए, पर अभी दुलार दिखाने लगी ना वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? जे तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी।
और वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है। बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है, तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ, आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले ले खा, ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के ऐसे सखा, रण के बाद प्रेम भी ढेर साला मिलता है, असीमित अथा। गाना शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा तू कहाँ चली बच्चे के साथ खेलने, चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। काना तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा काना अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है, इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो, थक ना जाएगो। बलराम तेरी कथा सुन के तो लगा था कि काना वीर है, काना साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठो है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं, अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगो वो उसका। देख का प्यास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा काना, तू क्यों कष्ट करेगो, तेरी मैया है ना। क्या चाहते हो तुम सब, जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? हाँ, तो लल्ला
बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी जी काना उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो? हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तू ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती। कान्हा मोड़ दे। आजा काना, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। तो है करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चले जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यही मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते। पूर्णा मौसी? हाँ, चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब जे बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बता दूं। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा।
इसका नाम जसोदा कुल होना चाहिए। पूर्णा मौसी क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जल स्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जल स्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दिए हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तुम्हारी गायों को कम पड़ जाएगो। आप रहने दो नंदराज, हम कैसे ना कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज, कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ। बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो। सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ, कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी कर दी ना गड़बड़, सुधार देती हूँ अभी। ना 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 कछु आवश्यकता ना है, तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी मैं प्रयास करूं, मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी?
सच्ची में कलाकार हूँ आप दसौदा जी? तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला, तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है? कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है। तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। दसौदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। फूल से होगो मैया? अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगी गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से ही क्यों? छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी। इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छाओ, सब बांटो है इसने। मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। ये कोई निर्जीव घर ना है, जी तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? इसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं, स्वयं देख ले। मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दियो। सोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। ये भूल छुपाने की कला ना है, ये बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी, लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहां से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए।
मैं तो चाह रही थी जब पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया, हम इस सजावट को वहां जाके पूरी कर लेंगे, क्या ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल तुझे कछु खिला दूं, आ जा, चल छोड़ दे, चल चल। यदि समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ थोड़ा छोड़कर जाना पड़ेगा। गोकुल के बाहर जाना पड़ेगो, उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं, तो मैं किस पथ पर जाऊं? पायल की ध्वनि, ये तो जानी पहचानी लग रही है। सोना, वो गाना तो क्या? नहीं नहीं, अब गाना यहां पर कैसे आ सकता? कहाँ गो? अभी तो यही तुम। काना, काना, महाराज की जय हो। गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज। शुभ है या अशुभ? जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज। तो शीघ्र बोलो दुर्जन, शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है। गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज, निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं। शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा? स्नान कराओ हमें।
बह जाने दो सारे जल को। बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण। और जल लाओ। और सबसे विशेष बात तो ये है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल है। इसका अर्थ यह है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके। ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। ए विष्णु अवतार। चल डालो, चल डालो। कोई समाधान ना सूझ रहे यशोद, समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़ हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे। अपना सारा जीवन यही बितायो है मैंने इसी गोकुल की मिट्टी में, ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से, ऐसे तो इन सब के पास और गैयाओं के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूंगा मुरली और उपनन ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। ही तो चाहिए था हमें, इससे पहले कि सूर्यदेव अस्त हो मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों कुओं और जलाशयों की यही दशा नंदराज। मैं कहां से लाती भाभी, लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं।
सारे के सारे सो गए। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, नंदराज कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। खाना? खाना जी? मैया जल चाहिए।
कभी लाएंगे। तनिक बेचारा शेष न है, मैं क्या खिलाऊं गयाओं को। चल आपने बुरा स्वप्न देखो क्या? तुमने भी? काना? कहाँ चला गो? वो भी गोकुल में? कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 पूनम मौसी, कान्हा को देखो क्या? द्वार खुलो है। काना! काना! कछु ना होगा हमारे काना को। काना, 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 ठीक है ना? हाँ, क्या कर रहे हो तू यहाँ? स्वर कैसा है मैया? जे कोई साधारण स्वर ना है, जे तो भेड़िया की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की। लगता है पूरों को पूरों झुंड गांव में घुसा है। शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहां से चलो। शीघ्रता से द्वार झरोखे बंद कर दीजिए। Oh!
नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए। और जी अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली, ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गांव वासी स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का। उपनंद भैया, घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज, वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िए छोड़ दिए होंगे गाँव में। जे सही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगो? महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, पर मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में, इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे? हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है। पर मौसी, हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो। असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूख ही जाएगो, और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगो नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है, पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है भूख से तड़प तड़प के? हाँ हाँ, कहाँ जाएं हम, बताइए ना। शीघ्र ही आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ जाती है गुस्सों से भी, ये सब मुझे जब छोड़ना हो तो कैसे संभालूं स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगो, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना कियो तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दियो।
पर अब और कोई चारा ना है, हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़े, अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़े। पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हां नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगा ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हां नंद भैया, हम कहां जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे, जो असंभव है, ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहां हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए? हाँ नंदराज, बताओ हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहां? वृंदावन, वृंदावन। नंद भैया, आप कहां चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था, यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषि मुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, वृंदावन। उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास हो गो कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित हो गो। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं, भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुंओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद, जितने भी कुंड मैंने देखे सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे।
इधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जानो ही है तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से ही यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं ना जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे, यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज, हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा, यदि तुम भी। आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज, ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने और आगे भी दूंगी, पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बस आए घर को छोड़ के चली जाऊं, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। सुधा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगा? इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर, इसी घर में आपको जाना समझा, आपका प्यार मिलो और पूरे गोकुलवासियों का स्नेह मिलो, अपने निसंतान होने की पीड़ा इन्हीं दीवारों से बांटी है मैंने। और पीड़ा ही क्यों, अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता यहीं तो मिली है मुझे, इसी कक्ष में जहां कान्हा का जन्म हुआ।
पता है आपको विदाई के समय मैया ने मुझे क्या सीख दी थी? बिना यमराज के बुलाए ना तेरा इस घर से साथ छूटना चाहिए ना नाता टूटना चाहिए। डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में ही बाहर आना ना। पहली बार अपने पति देव की आज्ञा ना मान रही मैं, क्षमा कर देना, पर मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। यशोदा, पूना मासी, अब आप ही समझाइए यशोदा को। ए, मैं तो सैम को ना समझा पा रही, इसे का समझाऊंगी? सारा जीवन यही बीता है, मैं भी न छोड़ पाऊंगी जे गोकुल को। कह देती हूँ नंदराज, गोकुल छोड़ने का संकेत तुमने ही दिया था काना, अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा।